बच्चों कैसे हो? ठीक हो बेटा? आज हम लोग पढ़ेंगे किस इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द चार्ज सीट। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कंडक्टिंग सीट के कॉन्सेप्ट्स को समझाया था और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करा था। ठीक है, लास्ट में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी वहाँ। आज उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये तीन सीट दे रखी है आपके पास। ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन द ईच सरफेस ऑफ द सीट। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन द ईच सरफेस ऑफ द सीट। तो देखिए बेटा, इसमें ऑन ईच सरफेस पे क्या पूछ रहा है आपसे? चार्ज पूछ रहा है वो यहाँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने पिछले वीडियो में जो आपको क्वेश्चन करवाया था लास्ट, उसमें मैंने बताया था मान लिया एक सीट Q1 है, ये एक सीट Q2 है और ये एक सीट क्या आपकी Q3 है। ठीक है, तो सब पे क्या पूछ रहा था वो, सब पे सरफेस पे हमने चार्ज निकाला था, तो सेम वही बताया था भाई। सबसे पहले यहाँ क्या मान लोगे? Q1/2। यहाँ पे भी क्या मान लोगे? Q1/2। यहाँ पे Q2/2, यहाँ पे Q2/2। ठीक है, बताई थी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पिछले समझाई थी वीडियो लेक्चर में कि एक सरफेस के ऊपर दोनों सरफेस पे चार्ज इक्वल इक्वल अमाउंट में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो इस पे भी इक्वल इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाता है। फिर मैंने कहा था Q1 के कारण बात करेंगे तो यहाँ प्लस का Q1/2 आया, तो इसके अपोजिट वाले पे क्या आ जाएगा? माइनस का Q1/2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ कितना आएगा? प्लस का Q1/2। फिर यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ कितना आएगा? माइनस का Q1/2। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस का Q1/2। ठीक है, सिमिलरली आपने इसको देखा था, इस सरफेस से प्लस का Q2/2 आया तो इस सरफेस पे माइनस का Q2/2। इस सरफेस से फिर क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्लस का Q2/2। इस सरफेस पे देखो दोबारा से कि इस सरफेस पे यहाँ पे कैसा आ गया? माइनस का प्लस का Q2/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे Q2/2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का Q2/2 और यहाँ पे फिर प्लस का Q2/2। ठीक है, फिर आपने क्या निकाला था? Q3 का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। Q3 में यहाँ पे Q3/2 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस Q3/2, सम होने वाला सरफेस। यहाँ पे प्लस Q3/2, फिर यहाँ पे माइनस Q3/2, यहाँ पे प्लस Q3/2। ठीक है, फिर हमने सारे चार्जेस को अलग अलग सरफेस पे ऐड कर लिया था, तो सारे चार्जेस पे क्या आ गया था आपका? चार्ज। सारे एक सरफेस पे क्या आ गया था आपका? चार्ज आ गया था। जैसे ये सरफेस आपने 1 माना था, इस सरफेस को 2, इस सरफेस को 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। इस तरह से वो आपको कितनी भी सीट दे दे, ठीक है, तो सभी सीट पे आप डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाएंगे। 3 या 4 से ज्यादा वैसे पूछता भी नहीं है। ठीक है, जनरली तो 2 तक ही पूछा जाता है, फिर भी 3 के लिए कर लो। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका? इस सरफेस पे टोटल चार्ज 1 पे टोटल चार्ज क्या बनेगा? चार्ज ऑन टोटल चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस पे टोटल चार्ज क्या बनेगा? Q1 प्लस Q3 प्लस Q2/2। चार्ज ऑन सेकेंड सरफेस क्या बन जाएगा? Q1 माइनस Q3 माइनस Q2/2। चार्ज ऑन थर्ड सरफेस क्या बन जाएगा? Q2 प्लस Q3 माइनस Q1/2। ठीक है, या माइनस लेके देख लो, इससे अपोजिट वही बनेगा वो। ठीक है, तो आपके पास Q4 फोर्थ सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q2 माइनस Q3 प्लस Q1/2। ठीक है, फिर हमने निकाला था फिफ्थ सरफेस पे चार्ज। चार्ज ऑन फिफ्थ सरफेस कितना आ जाएगा? Q3 माइनस Q2 प्लस Q1 माइनस Q1/2। सिक्स सरफेस पे कितना हो जाएगा? Q3 प्लस Q2 प्लस Q1/2। तो हमने ये अलग अलग सरफेस से पिछली वीडियो में बात कर ली थी, सबके ऊपर क्या निकाल लिया? चार्ज, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, या तो आप इन सबको याद कर लो कि हर एक सरफेस पे चार्ज कितना है, या जैसा कि मैंने इसमें करा सभी में इसी रूल को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब में ये सब याद, ये समझाने के लिए था, इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो आप बेसिक जो रूल है उसी को फॉलो करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स में। तो आप इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे फॉलो देखना, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? ये मान ले क्यू चार्ज है,
तो इसके इस सरफेस पे कितना हो जाएगा क्यू बाई टू, इस सरफेस पे कितना हो जाएगा क्यू बाई टू। तो सबसे पहले सबका हाफ हाफ कर लो, इसके इस सरफेस पे फोर क्यू बाई टू, तो फोर क्यू बाई टू कितना बचा टू क्यू, ठीक है। तो मैं टू क्यू लिख रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी टू क्यू आया, यहाँ पे भी टू क्यू आ गया, ठीक है। ये माइनस का क्यू बाई टू, इस सरफेस पे भी कितना आ गया माइनस का क्यू बाई टू, ठीक है। मैं अलग अलग पेन यूज कर लेती हूँ, बीच वाले के लिए मैं ग्रीन लिख लेती हूँ, तो मैं सारे ग्रीन से ही दिखाऊंगी बीच वाले, ठीक है। और इसके लिए मैं रेड यूज कर लेती हूँ, तो मैं सारे रेड से दिखा दूंगी। माइनस का क्यू बाई टू, माइनस का क्यू बाई टू, ठीक है बेटा। अब मैं सबका डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ। तो देखो पहला है, तो पहले कंसेप्ट तो यही था, सीट के दोनों सरफेसेस पे चार्ज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी पढ़ा दी थी आपको पीछे। फिर मैंने कहा था दो सीट्स अगर आपस में पैरेलली रखी हुई हैं, ठीक है, तो उनके आमने सामने फर्स्ट सरफेसेस पे चार्ज क्या आएगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। फिर हम तीसरा रूल फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ प्लस का क्यू बाई टू आ गया इस सरफेस पे, ये सरफेस वन है, ये सरफेस टू है, ये सरफेस थ्री, ये सरफेस फोर, ये सरफेस फाइव, ये सरफेस सिक्स, सबको दिख गया। तो टू, ये जो टू सरफेस, इस पे चार्ज कितना, प्लस क्यू बाई टू, तो इधर कैसा आ जाएगा, ये माइनस का क्यू बाई टू। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ कैसा आएगा, प्लस क्यू बाई टू, यहाँ प्लस आ गया तो फिर सामने कैसा आएगा, माइनस क्यू बाई टू, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ फिर कैसा आएगा, प्लस क्यू बाई टू, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब फोर क्यू में देखो, यहाँ चार्ज कैसा है, टू क्यू, तो यहाँ कैसा आएगा, माइनस टू क्यू, यहाँ पे भी कैसा आएगा, माइनस टू क्यू, यहाँ प्लस टू क्यू है तो यहाँ भी कैसा आएगा, माइनस टू क्यू, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ कैसा आएगा, प्लस टू क्यू, ठीक है। अब तीसरा देखो, सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तीसरी कंडीशन में देखो, यहाँ चार्ज कैसा, माइनस क्यू बाई टू, तो इसके सामने वाले पे कैसा आएगा, प्लस क्यू बाई टू, यहाँ प्लस क्यू बाई टू आ गया, यहाँ कैसा था, माइनस क्यू बाई टू, तो यहाँ कैसा आ जाएगा, प्लस क्यू बाई टू, क्योंकि अपोजिट सरफेस पे चार्ज अपोजिट आएगा सामने वाले सरफेस पे, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, उल्टा आएगा चार्ज। ये प्रॉपर्टी समझा चुकी हूँ सीट के केस में। यहाँ प्लस क्यू बाई टू आ गया तो यहाँ कैसा आएगा, माइनस क्यू बाई टू, यहाँ माइनस क्यू बाई टू आ गया तो इस वाले पे यहाँ कैसा आएगा, ये प्लस क्यू बाई टू, फिर यहाँ कैसा आएगा, ये माइनस क्यू बाई टू, ठीक है। कहीं कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो पहले और लास्ट सरफेस पे देख लिया करो, फर्स्ट और लास्ट सरफेस पे हमेशा चार्ज आपका सेम आएगा, फर्स्ट और लास्ट सरफेस। देखो ये माइनस आ गया तो यहाँ मिस्टेक होगी ना मेरे से, लेकिन मुझे पता लगेगा कि यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, यहाँ कैसा आएगा, प्लस आएगा। अब देखो, फोर्स टोटल चार्ज ऑन ईच सरफेस, ऑन वन सरफेस, वन सरफेस पे कैसा होगा, देखो सबका ऐड कर दो, क्यू बाई टू प्लस टू क्यू माइनस क्यू बाई टू, तो क्यू बाई टू से क्यू बाई टू कैंसिल, तो आंसर क्या है, टू क्यू। तो इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना आएगा, टू क्यू। इसमें भी देख लो, ये फोर्स मैंने कहा था फर्स्ट और सिक्स पे चार्ज हमेशा कहना चाहिए सेम आएगा, फर्स्ट जो सरफेस होगा लास्ट जो सरफेस होगा उस पे चार्ज हमेशा क्या होगा, सेम। तो देख लो, टोटल ऑन सिक्स, मैं यहां लिख देती हूँ, टोटल चार्ज ऑन सिक्स सरफेस कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, देख लो, सिक्स पे माइनस क्यू बाई टू प्लस टू क्यू प्लस क्यू बाई टू कितना आया, टू क्यू। पहले पे भी कितना आया, टू क्यू, लास्ट पे भी कितना आया, टू क्यू। अब देखो, टोटल चार्ज ऑन सेकंड सरफेस, ऐड कर दो सेकंड सरफेस के सारे चार्जेस को, क्यू बाई टू माइनस टू क्यू क्यू बाई टू, क्यू बाई टू माइनस का टू क्यू और प्लस का क्यू बाई टू, क्यू बाई टू क्यू बाई टू क्या हो गया, क्यू क्यू माइनस टू क्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस टू माइनस। अब देखो, चार्ज ऑन थर्ड सरफेस कितना आ जाएगा, इसमें देखो थर्ड पे टू क्यू माइनस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू कितना बना, टू क्यू माइनस क्यू, तो कितना आएगा, क्यू। वैसे पता था अगर यहाँ माइनस क्यू आया तो यहाँ कैसा आएगा, प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू आ गया ना इस वाले सेकंड पे, तो टोटल इस पे कैसा आएगा, प्लस क्यू, वही तो आया ना सेकंड पे।
आएगा प्लस क्यू, प्रॉपर्टी यही कहती है हमारी। टोटल चार्ज ऑन फोर्थ सरफेस, देखो फोर्थ पे क्या है ये टू क्यू प्लस क्यू बाई टू और प्लस क्यू बाई टू, कितना बना टू क्यू प्लस क्यू बाई टू थ्री क्यू बन जाएगा। तो देखो यहाँ थ्री क्यू आएगा तो यहाँ माइनस थ्री क्यू आना चाहिए, देख लेते हैं कहीं गलती भी हो गई तो देखो माइनस क्यू बाई टू माइनस टू क्यू और माइनस क्यू बाई टू कितना आया माइनस थ्री। ठीक है तो सारे सरफेसिस पे चार्ज आ गया, इन तीनों को बना देती हूँ, सबके सरफेसिस पे चार्ज लिख लो। ठीक है तो इसके फर्स्ट सरफेस पे चार्ज कितना आया टू क्यू, लास्ट पे भी कितना है टू क्यू, सेकेंड पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, यहाँ पे थ्री क्यू, तो यहाँ पे माइनस थ्री क्यू, तो सब पे चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे ये माइनस का थ्री क्यू ऐसे लिख। ठीक है तो इस तरीके से हम किसी भी सीट के कारण चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे आपसे दिया क्यू माइनस टू क्यू और थ्री क्यू, दो सीट के कारण करवा दो, तीन के कारण तो कर लोगे अब, हो गया होगा सबका। ठीक है एक और क्वेश्चन देख लीजिए, थ्री के कारण कर लेंगे आप। ठीक है अब अगला देखो, जैसे आपके पास अगर थ्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो निकाल लोगे, जैसे उसने कहा यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे टू क्यू है, यहाँ पे थ्री क्यू है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पी वन पी टू पी थ्री पी फोर, सारे रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, निकाल लोगे तो कैसे निकालोगे ये देखो। सबसे पहले तो चार्ज निकालो सब सारे सरफेसेस पे, देखो यहाँ पे चार्ज जो भी चार्ज होगा इस सीट के कारण, इसके कारण और इस सारों के कारण क्या निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है तो पहले चार्ज निकाल लेते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें, तो सबसे पहले चार्ज की बात कर ले, चार्ज का निकालने का तरीका वही रहेगा, सबसे पहले क्यू बाई टू, क्यू बाई टू यहाँ पे ये माइनस टू क्यू बाई टू करोगे तो क्या बचेगा माइनस क्यू, तो यहाँ भी माइनस क्यू यहाँ भी माइनस क्यू, ठीक है आधा आधा, यहाँ पे थ्री क्यू बाई टू यहाँ पे भी थ्री क्यू बाई टू, लिखने के लिए मैं वही अलग अलग पेन यूज कर लेती हूँ, ये थ्री क्यू बाई टू यहाँ पे भी ये थ्री क्यू बाई टू, सेकेंड के लिए मैं रेड मार्कर यूज कर रही हूँ। ठीक है तो यहाँ पे ये माइनस क्यू यहाँ पे भी कैसा आया माइनस, कर लो डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पे ये कैसा है क्यू बाई टू, तो यहाँ कैसा आ जाएगा माइनस क्यू बाई टू, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ कैसा आ जाएगा प्लस क्यू बाई टू, यहाँ प्लस आ गया तो सामने वाले पे माइनस क्यू बाई टू, यहाँ माइनस तो यहाँ कैसा आएगा प्लस क्यू। ठीक है अगला देखो, ये माइनस है तो सामने वाले पे प्लस आएगा, यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस आएगा। अगला देखो यहाँ माइनस है, मैं रेड का यूज कर लेती हूँ इसके लिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का क्यू, यहाँ प्लस का क्यू है तो ये माइनस का क्यू, ये माइनस का क्यू है तो यहाँ प्लस का क्यू, यहाँ प्लस का क्यू है तो यहाँ माइनस का। ठीक है बेटा अब देखो थ्री क्यू के कारण, देखो यहाँ देखो थ्री क्यू बाई टू प्लस का है तो सामने वाले पे माइनस थ्री क्यू बाई टू, ठीक है तो यहाँ पे प्लस थ्री क्यू बाई टू। ठीक है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ माइनस का थ्री बाई क्यू बाई टू तो यहाँ प्लस का थ्री क्यू बाई टू, यहाँ प्लस आ गया तो सामने वाले पे अपोजिट आएगा माइनस, यहाँ माइनस आ गया तो इसके इधर फिर कैसा आएगा पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और जो सामने चार्ज होगा एक दूसरे से क्या होगा अपोजिट। अब इन सबको क्या कर दो ऐड कर लो तो क्या बनेगा क्यू बाई टू माइनस क्यू प्लस थ्री क्यू बाई टू, ऐड कर लोगे ये वन सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, कितना आया थ्री क्यू बाई टू टू, कितना बन गया ये फोर क्यू बाई टू माइनस क्यू, टू क्यू माइनस क्यू कितना आ जाएगा आंसर क्यू, इस पे भी देख लो वही आंसर आएगा सिक्स सरफेस पे, ये वन सरफेस ये टू सरफेस ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स, तो सिक्स पे देखो चार्ज ऑन सिक्स, आपको पता लग जाएगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग है या राइट है, थ्री क्यू बाई टू माइनस क्यू प्लस क्यू बाई टू, तो थ्री क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू कितना हो गया फोर क्यू बाई टू,
ये बना टू क्यू माइनस क्यू, तो आंसर क्या आएगा क्यू। तो यहाँ भी कितना है क्यू, सिक्स पे भी कितना है क्यू, ठीक है। टू सरफेस पे देखो, चार्ज ऑन द सरफेस टू, क्यू बाई टू प्लस का क्यू माइनस का थ्री क्यू बाई टू, एड करके सोल्व कर लोगे। अरे थ्री क्यू बाई टू बन गया और माइनस थ्री तो जीरो ही बन गया, इस सरफेस पे चार्ज जीरो आ जाएगा। अगले पे देख लो, फोर्थ पे, थर्ड पे माइनस क्यू बाई टू प्लस क्यू, सॉरी माइनस क्यू बाई टू माइनस क्यू प्लस का थ्री क्यू बाई टू, इस पे भी जीरो, इन दोनों पे चार्ज जीरो। फोर्थ पे देख लो, फोर्थ पे क्या आएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू बाई टू माइनस थ्री क्यू बाई टू, तो ये बना क्यू बाई टू थ्री क्यू बाई टू माइनस का क्यू बाई टू, टू एलसीएम माइनस का थ्री क्यू प्लस का क्यू, क्या बचा माइनस का टू क्यू बाई क्यू, तो माइनस का क्यू बचा। तो ये इन दोनों को सोल्व करा जब, सॉरी इन दोनों को, तो ये बचा माइनस का क्यू, ये भी माइनस का क्यू, तो माइनस का टू क्यू होगी, ठीक है। फिफ्थ सरफेस पे देखो, चार्ज ऑन फिफ्थ सरफेस, फिफ्थ पे कितना हो जाएगा थ्री क्यू बाई टू प्लस क्यू माइनस क्यू बाई टू, थ्री क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू, एलसीएम टू थ्री क्यू माइनस क्यू, तो टू क्यू बाई क्यू, तो टू क्यू आ जाएगा। तो यहाँ माइनस का टू क्यू आया तो सामने वाले पे कैसे आ जाएगा प्लस का क्यू, तो सारे सरफेसेस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, लिख लो फटाफट जल्दी से। फर्स्ट पे कितना है क्यू, लास्ट पे भी क्यू, सेकंड और थर्ड पे जीरो जीरो, ठीक है। फोर्थ पे यहाँ पे ये माइनस टू क्यू, तो इस पे कितना आ गया टू क्यू। तो इस तरीके से हम लोग सारे सरफेसेस पे क्या निकाल सकते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में एक बार थोड़ा अगर कर लेना, मैं बता देती हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो कैसे निकालोगे, हो जाएगा सबका ये, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो फिर आप कैसे निकालोगे, देखिए वो ये कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए बी एंड सी डी। मैं थोड़ा बता देती हूँ, कर लेना, काफी क्वेश्चन करवा चुकी मैं ऐसे। ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज माइनस टू क्यू है इस सीट पे, और इस सीट पे चार्ज आपका थ्री क्यू, ठीक है। वो पूछ रहा है आपसे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट बी, एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट डी, सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है, इन सीट्स के कारण। तो देखो पहले ए पॉइंट पे निकाल देते हो, बाकी सब पे तुम खुद निकाल देना। देखो ए पॉइंट पे देखो, इस क्यू चार्ज के कारण अंदर तो जीरो है, इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इवन हो जाएगी, इसको वन सीट कह दो, इस सीट के कारण इसको टू सीट कह दो, इसको थ्री सीट, सरफेस की वजह सीट के कारण निकालो सीधा। तो इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इवन इधर हो जाएगी पॉजिटिव, माइनस टू क्यू के कारण इधर हो जाएगी ई टू, क्योंकि ई टू पे इधर जाएगी ए पॉइंट पे, और थ्री सी के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। तो ई रिजल्टेंट क्या बनेगी आपकी, ई वन माइनस का ई थ्री और माइनस का ई टू। तो ई वन की वैल्यू क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर सीट क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टू एप्सिलॉन नॉट होती है ना, क्या लिखोगे, सिग्मा, सिग्मा की जगह क्यू, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई थ्री की वैल्यू लिखोगे, ई थ्री लिखा, ई थ्री क्या है, थ्री क्यू, तो थ्री क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। ई टू की वैल्यू टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, सोल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ए पॉइंट आ जाएगी, सोल्व करोगे तो टू ए एप्सिलॉन नॉट का आंसर एलसीएम आ जाएगा, क्यू माइनस थ्री क्यू प्लस टू क्यू कितना, फोर क्यू माइनस थ्री क्यू, तो क्यू अपॉन में टू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिमिलरली बी पे भी निकाल लोगे, मैं डायरेक्शन बता देती हूँ एक बार, देखो बी पे इस प्लस की क्यू के कारण डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इस माइनस के कारण भी डायरेक्शन ई वन इधर हो जाएगी, ई टू भी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और ई थ्री अब ऐसे हो जाएगी, कर लोगे सोल्व, मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया है। इसी तरह इसी पे देख लो,
सी पे ई वन इधर हो जाएगी, ये वन सीट, ये टू, ये थ्री, और ई टू के कारण ऐसे हो जाएगी और ई थ्री के कारण ऐसे हो जाएगी। डी पॉइंट पे देख लो, ई वन इधर हो जाएगी और ई टू इधर हो जाएगी और ई थ्री इधर हो जाएगी आउटपुट। इन सब का सम करके ए बी और सी डी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम लोग सॉलिड एंगल की और प्लेन एंगल की। हमारे पास एक और भी ऐसा मेथड है जिससे हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, पीछे मैंने इसको बताया भी इसके क्वेश्चंस। जैसे मैं एक एग्जांपल बात कर लेती हूँ, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए, अब आपको कितनी भी सीट दे सबको आपको इसी मेथड से करना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, एक होता है आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल या स्टेडियन एंगल की क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये भी एक दूसरा मेथड है जिससे हम फ्लक्स इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें टोटल एरिया में एंगल का पता लग जाए, टोटल एंगल के लिए, कि टोटल एंगल के लिए इतना फ्लक्स है, फ्लक्स है, तो इसके स्मॉल एरिया में से उसका एंगल पता लग जाए तो हम वहां पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्लक्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ एक सॉलिड स्फीयर है, इसमें चार्ज क्यू रखा है। ठीक है, तो इसमें पूरे में से चार्ज फ्लक्स कितना जाए, क्यू बाई एप्सिलॉन। अब अगर मैं इतने से पार्ट में से पूछूं, बताइए इतने से पार्ट में से फ्लक्स कितना जाएगा, तो अगर मुझे इस एंगल का पता लग जाए, क्योंकि जितना इस एंगल में से फ्लक्स जाएगा उतना ही रिंग में से जाएगा आगे, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, फ्लक्स। तो सबसे पहले हम इससे बात करते हैं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है आपके पास, सॉरी प्लेन एंगल, जैसे सर्कल है आपके पास, सर्कल में ये होता है बनाया आपने आर्क और ये बना आपका रेडियस। ठीक है, तो प्लेन एंगल क्या होता है आपका, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, और सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे आपके पास सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो जो सॉलिड स्फीयर है बॉडी है, उस केस में एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई। सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई। इसको लिखते क्या है, ऐसे लिख देते हैं रो के। ये क्या होता है, सरफेस एरिया, ठीक है, अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर क्या बनेगा, डीएस अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, जैसे सॉलिड स्फीयर के केस में एंगल क्या बना, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, तो एंगल क्या लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया 4 पाई। ठीक है, अगर मैं एंगल कहूं हेमिस्फीयर के लिए, तो हेमिस्फीयर में एंगल कितना बन जाएगा, आधा, 2 पाई बन जाएगा। हेमिस्फीयर के केस में एंगल कितना बन जाएगा आपका, 2 पाई। इसका भी 1/4 ले लूं स्फीयर का, स्फीयर का अगर मैं 1/4 पार्ट लूं तो इस तरीके से दिखेगा आपको, स्फीयर का 1/4, सॉलिड स्फीयर का 1/4 पार्ट, तो उसमें एंगल इसका भी हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो आपके पास इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है, अब इसको देखो हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, किसी बॉडी के अंदर जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, अभी हमने डिस्कस करा था सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, जिस सर्कल में जो बना वो आपका होता है प्लेन एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, और फिर मैंने डिस्कस करा आपको सॉलिड एंगल। अब देखो सॉलिड एंगल को फाइंड आउट कैसे करेंगे आप लोग, जनरल एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या था, डी एस बाई आर का स्केयर, करो सरफेस एरिया ऑफ द सेल डिवाइड बाई आर स्केयर। तो ये सॉलिड स्फीयर है, ये नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है, दिस इज योर सॉलिड स्फीयर, ये एक सॉलिड स्फीयर आपका। ठीक है, ये जो है नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे इसका एक हमने एक स्मॉल स्फेरिकल फॉर्म माने, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, या नंबर ऑफ रिंग से मिलके क्या बनेगा, नंबर ऑफ सेल्स से मिलके आपका सॉलिड स्फीयर बनेगा। नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ रिंग से मिलके क्या बनेगा आपका, सॉलिड स्फीयर। एक छोटा सा रिंग का पार्ट यहाँ पे कर्व सरफेस पे कंसिडर कर लेंगे, ये रिंग जितनी, ये रिंग जो है ना, जितनी इस कर्व सरफेस के ऊपर बढ़ती जाएगी ऐसे, उतना ये जो एंगल, पहले ये एंगल अल्फा बन रहा है,
अब ये एंगल उतना यहां से छोटा होता चला जाएगा, देखो छोटा होता जा रहा है ना। तो जितनी ये रिंग सरफेस से क्लोज जाएगी और जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगी तो वहां अल्फा क्या बन जाएगा, जीरो। मान लिया कि अल्फा एंगल बना रही है रिंग सरफेस से, भाई स्फेरिकल सेल का स्मॉल एलिमेंट मान लिया हमने कर्व सरफेस पे, ठीक है, और वहां पे ये सेंटर से एंगल क्या बना रहा है, अल्फा अल्फा। फिर मैं ये कह रही हूँ कि जो ये अल्फा एंगल जो बन रहा है ना, ये रिंग जो आपने मानी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ जाओगे बढ़ोगे तो ये रिंग एलिमेंट, नंबर ऑफ रिंग एलिमेंट है ये हमने एक सिर्फ समझने के लिए कंसिडर कर लिया ऐसे, ठीक है। तो जितना बढ़ते जाओगे देखो, पहले वाला सरफेस यहाँ पे सेंटर से एंगल अल्फा बना रहा है इधर भी और इधर भी, तो जैसे बढ़े तो ये अल्फा इधर आया, फिर ये इधर, फिर ये इधर, तो अल्फा क्या होता जाएगा आपका, कम होता जाएगा। और जैसे ही सरफेस के पास पहुंचोगे तो अल्फा क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, रिंग एलिमेंट जितना सरफेस के पास जाएगा वहां पे एंगल रिंग एलिमेंट क्या बन जाएगा आपका, जीरो। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि इधर एंगल अल्फा बना रहा है, इधर भी एंगल अल्फा। ये मान लिया कि सेंटर से रेडियस जो स्फीयर की वो आर है और रिंग की रेडियस मैंने स्मॉल आर मान ली, ठीक है। तो इस सेंटर पे ये अल्फा एंगल, देखो ये एक थीटा एंगल मान लिया आपने यहां से, जैसे तो यहाँ पे थीटा क्या है, जीरो। इस पॉइंट पे थीटा क्या है, जीरो। और जैसे इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, देखो यहाँ पे इस पॉइंट से मैं कह रही हूँ इस पॉइंट पे, इस मैंने ये एक एंगल माना यहाँ पे, ये पूरा एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे तो ये थीटा क्या बना, जीरो। और जैसे जैसे पूरा घूम गए तो इस पॉइंट पे थीटा क्या बन गया, अल्फा। थीटा क्या बन जाएगा, अल्फा। इसी तरह इधर थीटा जीरो, इधर थीटा क्या बन गया आपका, अल्फा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ये एक स्मॉल रिंग का थिकनेस ले लिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया। रिंग को सीधा कर लो यहाँ पे ऐसे, रिंग को सीधा करते हैं तो 2π आर, तो उसकी सरकमफ्रेंस इनटू dr क्या होगी, उसकी थिकनेस। dr क्या होगी, रिंग की थिकनेस, 2πr इनटू dr। dr को निकाल लो, dr यहाँ पे आपका एंगल बना रहा है एक छोटा सा स्मॉल, ये देखो इधर ये सी, यहाँ पे ये एंगल क्या आपका d थीटा, ये छोटा सा एंगल मैंने d थीटा माना, ये dr है, ये रेडियस r है आपके पास, तो r का कौन रेडियस, d थीटा क्या होगा, dr by r, तो dr की वैल्यू कितनी बन जाएगी, r d थीटा, कितनी बन जाएगी आपकी, r d थीटा। तो dr की वैल्यू रख दी मैंने r d थीटा, ठीक है। अब जो स्मॉल r है इसको और निकालो ट्रायंगल में, ये जो स्मॉल r है रिंग की रेडियस, तो मैंने अलग से ट्रायंगल बना के निकाल दिया, तो स्मॉल r अपॉन r क्या होगा, sin थीटा, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r sin थीटा, क्योंकि मुझे पूरे स्फीयर के लिए एंगल निकालना है जनरल, ठीक है। तो आपके पास 2π r² sin थीटा * d थीटा आ जाएगा यहां पे। अब क्या करोगे टोटल के लिए, तो यहां एंगल कितना बन रहा है, ये जीरो, और इस रिंग के इस पॉइंट पे आएंगे तो एंगल कितना हो गया, अल्फा। तो जीरो से अल्फा क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। और ये 2 अल्फा कहां बना रहा है, सेंटर से रिंग का कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, पूरा कर्व सरफेस, ये यहां से यहां तक का कर्व सरफेस, एंगल कितना बना रहा है, 2 अल्फा। लेकिन मैंने तो यहां पे सिर्फ इस d थीटा की बात करी है अभी एक साइड में, तो इस पॉइंट यहां सेंटर से यहां तक क्या एंगल, जीरो से अल्फा क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, क्या देगा, 2π r² 1 माइनस का कोस थीटा की वैल्यू, अल्फा पुट कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और पुट करोगे तो क्या बनेगा, 2π r² माइनस कोस अल्फा माइनस माइनस प्लस कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू 1, क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस अल्फा, ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्केयर, तो क्या बन गया, 2π 1 माइनस कोस अल्फा, ठीक है। तो ये जनरल इस सकारो सरफेस के सॉलिड का जो कर सॉलिड के अंदर किसी जनरल सरफेस पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2π 1 माइनस कोस अल्फा, देखो इस तरीके से ये लिख लो एक बार फटाफट, फिर बताती हूँ एक बार। यहाँ देखो कैसे, जैसे मैंने ये कहा कि ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसमें ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस पूरे स्फीयर से चार्ज कितना जा रहा है, फ्लक्स दिस, तो ये जो सॉलिड एंगल बना, ये जो सॉलिड एंगल बना, ये जो सॉलिड एंगल आया ना, इसकी वैल्यू है ये 2π 1 माइनस कोस अल्फा, क्योंकि ये एंगल भी अल्फा और ये एंगल भी आपका अल्फा, ठीक है, फिर समझ आया। तो ये आपके पास जनरल अल्फा की वैल्यू कितनी हो सकती है, पुट कर दो, ठीक है, तो 360
जो भी पुट करोगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर का पूरा एंगल कितना बनता है आपका 4 पाई। तो ये जर्नल के लिए कितना आ गया 2 पाई इंटू 1 माइनस का कोस अल्फा। तो देखिए यहां से अब इसको सोल्व करते हैं, अब इसकी वैल्यूज निकालते हैं यहां से। अब मैंने ये कहा आपसे, अब इसको देखिए यूज समझिए, मैंने कहा कि एक सॉलिड स्फीयर है, इफ देयर इज अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इफ देयर इज सॉलिड स्फीयर हैविंग द टोटल चार्ज क्यू, ठीक है। तो देखो आप एंगल से कैसे निकालेंगे, अब तक तो फाइ इज इक्वल टू डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन से निकाल रहे हैं, अब एंगल से भी क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो देख लीजिए। तो देखो सॉलिड स्फीयर का एंगल कितना होता है 4 पाई, सॉलिड स्फीयर का पूरा एंगल कितना होता है 4 पाई। तो 4 पाई एंगल में से फ्लक्स कितना पास होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द 4 पाई एंगल कितना होगा 3 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट एंगल में से कितना पास होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस बना यहां से, ठीक है, इस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, जितना जो ये बनाया मैंने छोटा सा आर्क एलिमेंट, इसमें से कितना पास होगा, फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ठीक है। तो देखो ये एंगल मान लिया अल्फा, ये एंगल कितना मान लिया आपने अल्फा, ये डिस्टेंस एक्स कह दो और ये रेडियस मान लो इस सर्कल की, यहाँ पे ये रेडियस बन गई आर इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो ये कितनी बन गई स्मॉल आर, कितनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो जो कि आपने एक रिंग एलिमेंट कंसीडर करा था आर्क पे, तो यहाँ पुट करो तो ये जो एंगल बनता है इस सरफेस पे, ये एंगल कितना बना 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा, तो 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा एंगल पर फ्लक्स कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो पर, मिली गई पर फ्लक्स कितना होगा, अब तो समझ आ रहा भाई, समझ आ गया 10, अरे सिंपल सी बात 10 पेन का मूल्य इतना, एक का इतना, जितने का निकालना होता है मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एंगल आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ पुट करो तो कितना आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा, ठीक है। अगर मुझे एंगल पता हो किसी भी सॉलिड स्फीयर में तो मैं वहां पे फ्लक्स निकाल सकती हूँ इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये मैंने कोन के जो क्वेश्चन करवाए थे वहां पे डायरेक्ट लिखा था इस फॉर्मूले को, यहाँ पे मैंने इस बात को प्रूव भी कर दिया, समझ आ गया। अब देखो रिंग के केस, रिंग में एक क्वेश्चन करा था मैं, रिंग के केस में जो चार्ज निकाला था फ्लक्स की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, तो उसको भी निकाल सकते इसी कंसेप्ट से। जैसे आपके पास एक डिस्क या रिंग थी आपकी, डिस्क थी, ठीक है, तो इस लाइन एलिमेंट के कारण आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करा था, चार्ज फाइंड आउट करा था, तो वही है कि स्मॉल रेडियस आर मान लो इसको, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस कंसिडर कर लो, ये एंगल अल्फा, तो आपके पास ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा आपका अल्फा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। करने का तरीका वही रहेगा, बस इसमें ये डिस्टेंस क्या आपकी एक्स और ये डिस्टेंस कितनी आपकी आर, इसको निकाल लो, बस यही फॉर्मूला सेम करने का तरीका वही है, सिर्फ क्या करो Q by 2 epsilon not 1 minus cos alpha निकाल लो, cos alpha क्या हो जाएगा x upon में ये r की वैल्यू x square plus r square का अंडर रूट, r square plus में x square का अंडर रूट। देखो रिंग के केस में यही तो निकाली थी ना आप लोगों ने फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अरे यही तो निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फ्लक्स के लिए आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कर लो प्रूव उसको। तो यहां से आप इस तरीके से रिंग वाला केस भी आप स्मॉल केस में क्या कर सकते हैं यहाँ पे फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी केसेस बने अभी आपके यहाँ से, तो जितने हमने आज तक जो क्वेश्चन करे फ्लक्स के फाइल तो स्ट्रीट और डीएस क्यू एप्सिलॉन नॉट, कुछ सॉलिड स्फीयर के जो क्वेश्चन है जैसे सॉलिड बॉडीज हैं उनमें अगर हमें एंगल पता लग जाए पर्टिकुलर, तो एंगल पता है तो भी हम फ्लक्स को फाइंड आउट वहां पे कर सकते हैं, ये मैंने डेरिवेशन आपका वहां पे भी कर दिया, ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इस क्वेश्चन को पीडीएफ में डाला था, लेकिन इसमें मैंने आपको समझा भी दिया, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे आप लोग पोटेंशियल, ओके।